छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। आगामी त्योहार नवरात्रि दशहरा को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। जुझाननगर थाना प्रभारी के द्वारा थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के कुछ पार्षद सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगामी त्योहार नवरात्रि दशहरा को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में तमाम बिंदुओं पर थाना प्रभारी ने चर्चा की। चर्चा के दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगी हुई, जिसका हमें और आपको कड़ाई से पालन करना, आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए त्योहार मनाना, खासकर किसी भी प्रकार से हमारे क्षेत्र में शांति भंग न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए त्योहार मनाया जाए। बैठक में उपस्थित थाना प्रभारी ने कहा कि देवी विसर्जन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति निश्चित दिनांक को शाम 7 बजे तक हो जाना चाहिए। हम और आपके द्वारा इस बात का ख्याल रखा जाए कि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जितने भी लाइसेंसी शस्त्र हैं, वह सभी लोग जल्द से जल्द थाने में जमा करवाएं। इस मौके पर थाना प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार चचौदिया के द्वारा तमाम लोगों को शासन के नियमों का पालन करने के लिए एवं सभी के सहयोग की अपेक्षा की गई। इस मौके पर थाना प्रभारी, समस्त स्टाफ सहित नगर के पार्षदगण, पत्रकार बंधु, नवदुर्गा समिति सदस्य और नगर के दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।